नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज वर्मन एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष अनुभूति का एक नया अंक लेकर। और ये अंक मेरे हृदय के बहुत निकट है क्योंकि ये मेरी प्रिय भाषा हिंदी भाषा से संबद्ध है। अभी कुछ दिन पहले हिंदी दिवस मनाया गया, उस समय मैं व्यस्तता के कारण और यात्राओं के कारण ये वीडियो नहीं बना पाया। और आज भी संभवतः आप महसूस कर पा रहे होंगे मैं घर से बाहर हूँ, विदेश में हूँ, लंदन में हूँ। और जैसा कि आप समझते होंगे, जब आप विदेश में होते हैं तो आपको अपने देश की अधिक याद आती है, अपने देश की मिट्टी की खुशबू कुछ अधिक आती है, देश की संस्कृति, वहाँ के लोग और वहाँ की भाषा आपको कुछ अधिक याद आती है। और हिंदी भाषा हमारे देश की गौरवशाली भाषा रही है सदा से ही और मेरे हृदय के बहुत निकट रही है। जैसे मैंने कहा, बचपन से ही हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के पठन पाठन में मुझे बहुत रुचि रही है और गद्य और पद्य दोनों में ही मेरा रुझान रहा है, किंतु कविता की प्रति मेरी रुचि कुछ अधिक रही है बचपन से ही। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरे हृदय में कुलबुला रही हैं और मुझे लगा कि मुझे उनमें से कुछ कविताएं अपने संकलन में से, अपनी प्रिय कविताओं में से आपको सुनानी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि यदि हम इनको रस से जोड़कर सुनाएं, जो नौ रस हैं हमारी भाषा में, हमारी साहित्य में, काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, उनसे जोड़कर मैं कुछ उदाहरण के रूप में कुछ अपनी प्रिय कविताएं, जो बचपन से मेरी प्रिय कविताएं हैं, वो सुनाना चाहता हूं। क्योंकि नौ रस हैं तो हम एक भाग में इनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम ये अंक तीन भागों में बनाएंगे। आज पहला भाग है, इसमें हम पहले तीन रस लेंगे, अगले भाग में अगले तीन रस और अंतिम और तीसरे भाग में अंतिम तीन रस लेंगे। तो आज जिन तीन रसों से जुड़ी हुई कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा, वे रस हैं श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये पहला भाग अनुभूति के इस अंक का। कविताओं के माध्यम से हम सुनेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस, जैसे नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसमें श्रृंगार की चर्चा है, किंतु इसके दो घटक हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हमारे हिंदी साहित्य में कई काल हुए हैं, कई युग हुए हैं और जो रीतिकाल है, जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी साहित्य में। ये भक्ति काल और आधुनिक काल के मध्य स्थित है, रीतिकाल या श्रृंगार काल। उसमें बड़े बड़े नाम उभर कर सामने आए, जैसे देव, जैसे मतीराम, जैसे कविवर बिहारी और भी बहुत से नाम जिन्होंने बहुत काव्य सृजन किया श्रृंगार रस पर। और अक्सर इन कवियों को राजसी संरक्षण मिलता था, राजाओं की प्रेरणा से कविता लिखते थे, इसलिए स्वाभाविक है कि श्रृंगार रस पर अधिक कविताएं लिखी गई हैं और इसीलिए इसको रीतिकाल या श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो पहला उदाहरण जो मैं अपनी प्रिय कविताएं, जो मेरी संकलन है कविताओं का, बचपन से ही प्रिय रही हैं, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा, कवि देव की लिखी हुई। और इसमें देखिए, कवि देव वर्णन करते हैं अपनी नायिका की व्याकुलता का। नायिका अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, अपने गोपाल की, अपने मनमोहन की प्रतीक्षा कर रही है और उनको एक आहट होती है या ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रियतम, उनके गोपाल, उनके मनमोहन आ गए हैं। हृदय में प्रेम छलक जाता है मनमोहन के प्रति और वो देखना चाहती है, एक झलक देखना चाहती है अपने प्रेमी की, लेकिन जिस घर में वो हैं वहां झरोखा इस किस्म का है कि वो झांक नहीं पा रही हैं। तो हृदय में व्याकुलता लिए हुए, अपने गोपाल का प्रेम लिए हुए, वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी खिड़की से तीसरी खिड़की, एक फिरकी की तरह फिर रही हैं। और देखिए उनके मनोभावों का चित्रण कितनी अच्छी तरह से कविदेव ने इन पंक्तियों में किया है। सुनिए, मूरत जो मनमोहन की, मनमोहिनी के मन है थिरकी सी, देव गोपाल को बोल सुने छतिया सी, रात सुधा छिरकी सी, नीके झरोका है झांक सके नहीं, नै नहीं लाज घटा घिरकी सी, पूरन प्रीत ही है हिरकी, खिरकी खिरकी इन फिरे फिरकी सी। क्या बात है, कवि देव सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि आचार्य भी थे, इसीलिए उनकी बहुत पकड़ है, जो मनुष्य के, जो मानव के हृदय में या मन में जो भाव होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पकड़ते हैं और बहुत ही सजीव उसका चित्रण करते हैं, जिसका उदाहरण हमने देखा। तो अब बढ़ते हैं कविवर बिहारी की ओर। श्रृंगार काल की चर्चा हो और बिहारी का नाम ना आए, ये तो असंभव है। बिहारी एक बहुत बड़ा नाम है रीतिकालीन कवियों में, उन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पे बहुत काव्य सृजन किया है। और उनकी खास बात ये मानी जाती है कि वो छोटे छोटे दोहों में बहुत सारा सार भर देते थे। कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दी है। ये उन्हीं के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। तो पहला उदाहरण एक छोटा सा दोहा, लेकिन उसका भाव देखिएगा बिहारी का, ये वियोग श्रृंगार पे है, यानी कि जो नायिका है वो अपने प्रेमी के वियोग में, विछोह में, विरह वेदना में तड़प रही हैं, बहुत अधिक तड़प रही हैं, इतना कि उनका शरीर गर्म हो चुका है, उष्ण हो चुका है, और इतना गर्म कि उस नायिका की जो सखियां हैं, गुलाब जल की पूरी शीशी
नायिका के शरीर पर उंडेल देती हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर की गर्मी इतनी है कि गुलाब जल हवा में ही उस गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। एक बूंद भी गुलाब जल की नायिका के शरीर पर नहीं गिरती है। तो देखिए इसका वर्णन बिहारी ने दो पंक्तियों में कैसे किया है। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिल्लात, बीच ही सूखी गुलाब गो छीटो हो नगात। दूसरा उदाहरण बिहारी का, असंख्य उदाहरण है, मेरे हृदय में कुलबुला रहे हैं, लेकिन समय अभाव के कारण सब नहीं सुना पाऊंगा। दूसरा उदाहरण जो मैं बताता हूं, वो जैसे रीतिकालीन कवियों की विशेषता रही है कि वो अपनी नायिकाओं की नक्षिक वर्णन, सौंदर्य का वर्णन बहुत सजीवता से करते हैं। तो इस दोहे में, दो इन दो पंक्तियों में कविवर बिहारी ये कहते हैं कि उनकी नायिका का जो चेहरा है, जो मुख है, उसमें इतना उजाला है, उसमें इतना प्रकाश है, उसकी इतनी चमक है कि जब वो खड़ी हो जाती है छत पर तो उनके घर के आसपास पूर्णिमा हो जाती है। और चूंकि वो वहां रहती हैं तो वहां तो नित्य ही, रोज ही पूर्णिमा रहती है। तो यदि आपको उनके घर के आसपास जाकर तिथि का पता लगाना है तो चंद्रमा की स्थिति से आप तिथि का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां तो रोज ही पूर्णिमा रहती है। तो यदि आपको तिथि जाननी है तो आपको पंचांग देखकर या पत्रा देखकर ही तिथि पता लग पाएगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति से पता लगाना तिथि का असंभव है, क्योंकि वहां तो रोज ही पूर्णिमा होती है। कविवर बिहारी कहते हैं, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नृत्य प्रतिपुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। आनन ओप उजास यानी उनके चेहरे का उजाला इतना है कि वहां तो रोज ही पूर्णिमा रहती है, आपको पंचांग देखकर ही तिथि का आभास हो सकता है, चंद्रमा की स्थिति से नहीं। तो आइए अब श्रृंगार रस से बढ़ते हैं अगले रस की ओर, यानी हास्य रस। हास्य रस का तो नाम ही ऐसा है कि उसे सुनते ही आपके चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट हो आती है। और हिंदी साहित्य के सभी कालों में हास्य रस पर अनेक रचनाएं लिखी गई हैं, और आजकल भी हास्य रस पर बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, उनका पठन पाठन नियमित रूप से होता है। मेरे बचपन के प्रिय हास्य कवि काका हाथरसी रहे हैं, उनकी एक अलग शैली है, अलग अंदाज है कविता लिखने का और उसे सुनाने का। तो उनकी एक कविता मुझे बचपन में बहुत प्रिय थी, उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। थोड़ी लंबी है, उस कविता का शीर्षक है नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसमें काका हाथरसी ने ये कहा है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि मनुष्य का नाम कुछ होता है लेकिन उनका स्वभाव, उनकी परिस्थितियां और बाकी चीजें बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने हास्य का पुट देने का प्रयास किया है। तो इस कविता को हम सुनते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, काका हाथरसी द्वारा। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए एंचक ताने। कह काका कवि दयाराम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तार कोल सा रूप, श्याम लाल का रंग है जैसे खिलती धूप। जैसे खिलती धूप सजे बुशर्ट पैंट में, ज्ञान चंद छह बार फेल हो गए टेंथ में। कह काका ज्वाला प्रसाद जी बिल्कुल ठंडे, पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। देख अशरफी लाल के घर में टूटी खाट, सेठ भिखारी दास के मिल चल रहे आठ। मिल चल रहे आठ कर्म के मिटे न लेखे, धनी राम जी प्राय हमने निर्धन देखे। कह काका कवि दूल्हे राम मर गए कुंवारे, बिना प्रियतमा तड़पे प्रीतम सिंह बेचारे। तीन श्रमिक भड़का दिए करवा दी हड़ताल, मिल मालिक से खा गए रिश्वत दीन दयाल। रिश्वत दीन दयाल कर्म को ठोक रहे हैं, ठाकुर शेर सिंह पर कुत्ते भौंक रहे हैं। काका छह फुट लंबे छोटू राम बनाए, नाम दिगंबर वस्त्र ग्यारह लटकाए। पेट ना अपना भर सके जीवन भर जगपाल, बिना सूर के सैकड़ों मिले गणेशी लाल। मिले गणेशी लाल पैंट की क्रीस संभाली, बैग कुली को दिया चले मिस्टर गिरिधारी। कह काका कविराय करे लाखों का सट्टा, नाम हवेली राम किराए का है अट्टा। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग चंद की आज तक सोई है तकदीर। सोई है तकदीर बहुत से देखे भाले, निकले प्रिय सुखदेव सभी दुख देने वाले। कह काका कविराय आंकड़े बिल्कुल सच्चे, बालक राम ब्रह्मचारी के बारह बच्चे। चतुरसेन बुद्धू मिले बुद्ध सेन निर्बुद्ध, श्री आनंदी लाल रहे सर्वदा क्रुद्ध। रहे सर्वदा क्रुद्ध मास्टर चक्कर खाते, इंसानों को मुंशी तोता राम पढ़ाते। कह काका बलवीर सिंह जी लटे हुए हैं, अरे थान सिंह के सारे कपड़े फटे हुए हैं। बेच रहे हैं कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम जी रूखे मक्खन लाल। रूखे मक्खन लाल झींकते दादा दादी, निकले बेटा आसा राम निराशावादी।
कह काका कवि भीमसेन पिद्दी से दिखते, कविवर दिनकर छाया वादी कविता लिखते। आकुल व्याकुल दिखते शर्मा परमानंद, कार्य अधूरा छोड़कर भागे पूरन चंद। भागे पूरन चंद अमरजी मरते देखे, मिश्री बाबू अड़वी बातें करते देखे। कह काका भंडार सिंह जी रीते थोते, बीत गया विनोद जीवन का रोते धोते। शीला जी जी लड़ रही सरला करती शोर, कुसुम कमल पुष्पा सुमन निकली बड़ी कठोर। निकली बड़ी कठोर निर्मला मन की मैली, सुधा सहेली अमृत बाई सुनी विशैली। कह काका कवि बाबू जी क्या देखी तुमने, बल्ली जैसी मिसलल्ली देखी है हमने। तेजपाल जी भूथरे मरियल से मलखान, लाला दान सहाय ने करी न कौड़ी दान। करी न कौड़ी दान बात अचरज की भाई, वंशीधर ने जीवन भर वंशी न बजाई। कह काका कवि फूलचंद जी इतने भारी, दर्शन करके टूट जाए कुर्सी बेचारी। खट्टे खारी खुरखुरे मृदला जी के बैन, मृगनैनी के देखिए चिलहोजा से नैन। चिलहोजा से नैन शांता करती दंगा, नल पे नहाती गोदावरी घूमती गंगा। कह काका कवि लज्जावती दहाड़ रही है, दर्शन देवी लंबा घूंघट काढ़ रही है। कलयुग में कैसे निभे पति पत्नी का साथ, चपला देवी को मिले बाबू भोलानाथ। बाबू भोलानाथ कहां तक कही कहानी, पंडित रामचंद्र की पत्नी राधा रानी। काका लक्ष्मी नारायण की गृहिणी रीता, कृष्णचंद्र की वाइफ बनकर आई सीता। अज्ञानी निकले निरे पंडित ज्ञानी राम, कौशल्या के पुत्र का रखा दशरथ नाम। रखा दशरथ नाम मेल क्या खूब मिलाया, दुल्हन संत राम को आई दुल्हन माया। काका कोई कोई रिश्ता बड़ा निकम्मा, पार्वती देवी हैं शिव शंकर की अम्मा। पूछना आधी इंच भी कहलाते हनुमान, मिला ना अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। घर में तीर कमान बदी करता है नेका, तीर्थराज ने कभी इलाहाबाद न देखा। सत्यपाल काका की रकम टकार चुके हैं, विजय सिंह जी 10 बार इलेक्शन हार चुके हैं। सुखी राम जी अति दुखी, दुखी राम अलमस्त, हितमत राय हकीम रहे सदा अस्वस्थ। रहे सदा अस्वस्थ प्रभु की देखो माया, प्रेमचंद ने रत्ती भर भी प्रेम न पाया। कह काका जब व्रत उपवासों के दिन आते, त्यागी जी अन्न त्याग कर रिश्वत खाते। रामराज के घाट पर आता जब भूचाल, लुढ़क जाए श्री तख्तमल बैठे घूरे लाल। बैठे घूरे लाल रंग किस्मत दिखलाती, इतर सिंह के कपड़ों से भी बदबू आती। कह काका गंभीर सिंह मुंह फाड़ रहे हैं, महाराज लाला की गद्दी झाड़ रहे हैं। दूधनाथ जी पी रहे सपरेटा की चाय, गुरु गोपाल प्रसाद के घर में मिली न गाय। घर में मिली न गाय समझ लो असली कारण, मक्खन छोड़ डालडा खाते ब्रज नारायण। काका प्यारे लाल सदा हुर्राते देखे, हरिश्चंद्र जी झूठे केस लड़ाते देखे। रूप राम के रूप की निंदा करते मित्र, चकित रह गए देखकर कामराज का चित्र। कामराज का चित्र थक गए करके विनती, याद राम को याद ना होती सौ तक गिनती। कह काका कविराय निकले बड़े बेदर्दी, भरत राम ने चरत राम पर नालिश कर दी। नाम धाम से काम का क्या है सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य। झंडा राम सदस्य भाग्य की मिटे न रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ कड़ा लोहे का देखा। कह काका कंटस्थ करो ये बड़े काम की, माला पूरी हुई 108 नाम की। तो ये थी कविता नाम बड़े दर्शन थोड़े हास्यरस का उदाहरण, काका हाथरसी द्वारा रचित। तो हास्यरस के बाद अब हम पढ़ते हैं तीसरे रस की ओर इस भाग के, जो है करुण रस। और करुण रस का नाम सुनते ही एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। और जिन कविताओं को मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनको आप सुनेंगे तो आप देखेंगे करुण रस कितना गहरे उतर जाता है। तो करुण रस की कविताओं के उदाहरण के रूप में मैं प्रारंभ करना चाहूंगा सुश्री महादेवी वर्मा की एक रचना से। उनकी रचनाएं करुण रस से ओतप्रोत हैं। और सुश्री महादेवी वर्मा मानी जाती है कि छायावाद कविताओं के जो 4 स्तंभ हैं उनमें उनका नाम है। अन्य 3 नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए सुनते हैं करुण रस से ओतप्रोत सुश्री महादेवी वर्मा की ये कविता, जिसका शीर्षक है जो तुम आ जाते एक बार। कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग,
गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्वार, जो तुम आ जाते एक बार। तो आप समझ ही गए होंगे कितना दर्द है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण करुण रस का है। ये कविता भिक्षुक, जो लिखी थी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो आइए सुनते हैं ये कविता, जिसमें भिखारी की दयनीय अवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रण कवि ने किया है। वह आता तो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, तो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, पाए से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। देखा आपने करुण रस। तो इस करुण रस का एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह है श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता शहीद की मां। इसी घर से एक दिन शहीद का जनाजा निकला था, तिरंगे में लिपटा हजारों की भीड़ में, कांधा देने की होड़ में सैकड़ों के कुर्ते फटे थे, पुट्ठे छिले थे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारों में शहीद की मां का रुदन डूब गया था। उसके आंसुओं की लड़ी फूल खील बताशों की छड़ी में छिप गई थी। जनता चिल्लाई थी, तेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, गली किसी गर्व से दिप गई थी। इसी घर से 30 बरस बाद शहीद की मां का जनाजा निकला है, तिरंगे में लिपटा नहीं, क्योंकि वो खास खास लोगों के लिए भेद है। केवल चार कांधों पर राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है के पुराने नारों पर चर्चा है। बुढ़िया बेसहारा थी, जीवन के कष्टों से मुक्त हुई, गली किसी राहत से छुई छुई। तो हमने इस भाग की शुरुआत की थी किसी और रस से और समाप्त किया किसी और रस से। केवल 3 रसों पर आधारित कविताएं हमने आज सुनी, लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि केवल इन 3 रसों में ही हमने कितने सारे भावों को अनुभव किया है। तो इसके साथ ही अनुभूति के इस अंक के पहले भाग की समाप्ति करते हैं। दूसरे भाग में हम अगले 3 रसों पर आधारित कविताएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, और आशा करता हूं कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे।